हमेशा यही होता है, जब भी कहीं जाना होता है पापा बस काम ही करता रहता है अपना। हमेशा वहाँ पे 4 4 साढ़े 4 बजे निकलना है क्योंकि 7 बजे की फ्लाइट है हमारी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ स्कूल जाने के लिए। अभी सुबह के 7 बज गए हैं, 7:15 मेरी बस आ जाती है, इसलिए मैं रेडी हो गया हूँ जाने के लिए। मुझे आपको एक न्यूज़ शेयर करनी थी, पर अभी मेरा स्कूल का जाने का टाइम हो रहा है, इसलिए वो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब मैं स्कूल से आऊँगा तब आपको बताऊँगा वो न्यूज़ क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अब स्कूल से आ गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, और जो न्यूज़ मैं सुबह बताना चाह रहा था वो है, आज हमारी फर्स्ट फ्लाइट है चंडीगढ़ टू गुजरात, वो भी मामू के पास। वहां पे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी जाएंगे और बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करेंगे। पापा पैकिंग हो गई है? हाँ, अभी रख लिया है सामान। देखो। यहाँ पे रखा है। हाँ आपका क्या क्या सामान रखना है अभी? टॉयज रख देना, कपड़े रख देना, और गॉगल्स? गॉगल्स भी रख देना, कैप भी रख देना। ठीक है। मैं आप कैरम ले जाऊँ क्या? कैरम? कैरम से खेलेंगे वहाँ तो? फुटबॉल ले अब जाऊँ? नो, मैं काम कर रहा हूँ, तब तक आप लोग अपनी सारी पैकिंग करके रख लो, फिर टाइम से रेडी रहना। फ्रेंड्स, अब हम रेडी हो गए हैं, सामान वामान सब पैक कर लिया है। पापा तो अभी तक काम ही कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं तुम रेडी हो जाओ। चलो मैं देख के आता हूँ पापा क्या कर रहे हैं। वो देखते हैं पापा क्या कर रहे हैं। पापा, यार पापा तो काम ही कर रहे हैं अभी तक। हमेशा यही होता है, जब भी कहीं जाना होता है पापा बस काम ही करते रहता है अपना। हमेशा वहाँ पे 4 4 साढ़े 4 बजे निकलना है क्योंकि 7 बजे की फ्लाइट है हमारी। हमारी 2 2 घंटे पहले निकलना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारी फर्स्ट फ्लाइट है मिस हो गई, तो फिर हमें नहीं पता क्या करना है इसलिए। अभी आप रेडी हो गए हो? हाँ, मैं रेडी हो गया हूँ जाने के लिए। चलो फिर, सामान सभी सामान रख लिया ना? हाँ, रख लिया सब। तो फ्रेंड्स, पापा का भी काम खत्म हो चुका है और अब नीचे हमारी कैब आ गई है, तो हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो हम अब मैं आपको मिलता हूँ एयरपोर्ट में। पापा प्राइवेट जेट है, प्राइवेट जेट है। Thank you.
होगा। हेलो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं गुजरात मामू के यहाँ। तो रात के 2:30 बज चुके हैं, सारे सो गए, मम्मा भी सो गई, पापा भी लेट गए। तो कल हम निकलेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। हमें एयरपोर्ट पे ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, हमें पता नहीं था कि शूट कर सकते एयरपोर्ट पे या नहीं कर सकते, इसलिए हम ज़्यादा शूट नहीं करा। तो कल हम निकलेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। तो इस व्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट। चेंज तो कर लो। ये देखो, मैं इसका ऐसे ले जाता हूँ, ऐसे करूँ।